हाजरीन आदाब, कोरोना वायरस से मुकाबला प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, उनको अवेयर करें कि ये जो COVID-19 है, ये जो वबा है, इससे कैसे बचा जा सकता है और उसको कैसे हराया जा सकता है और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम हो रहे हैं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लोगों को राहत पहुंचाया जा रहा है, इस पर बात करते हैं हम। और आज भी इसी पर बात होगी और आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट शोपियन की। जी हाँ, एक वो डिस्ट्रिक्ट जो एरिया वाइज तो छोटा गिना जाता है लेकिन बहुत ही अहम डिस्ट्रिक्ट, इस पर बात होगी। और आज इस पर बात करने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का, डेप्टी कमिश्नर शोपियन। शुक्रिया तुबेर साहब। चौधरी साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ लम्हे आज के इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिए। आगाज में आपसे जानना चाहेंगे कि शोपियन जहां पर जो काफी देर तक कंट्रोवर्सी में रहा, लोगों ने बहुत कुछ बोला इसके बारे में, शोपियन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ये आगाज कोविड का कहां से हुआ शोपियन में और कैसे हुआ था? जी बिल्कुल, आपने फरमाया जी, एज ऑफ नाउ वी जस्ट हैव 210 एक्टिव पॉजिटिव केसेस, बट जो पहला अरसा था उसमें काफी ज्यादा स्पाइक्स हमने फेस की। हमारा पहला केस मार्च एंडिंग में ही आ गया था और तो हमारे जो पहले 5 केसेस थे वो बेसिकली उमरा रिटर्नीज थे, जो श्रीनगर का वो खान्यार पेशेंट था, उसके वो को पैसेंजर्स थे, उसी के साथ वापस लौटे थे। बट उसके बाद जो हमारी वेव वाई केसेस की, वो सारे बेसिकली कॉन्ग्रीगेशन रिटर्नीज थे जी। और वो भी एक ही गांव से, हीरपुरा से, हीरपुरा के बारे में आपने सुना होगा जी। तो ओवर द पीरियड ऑफ दिस दिस लास्ट 3 मंथ्स हमने काफी ज्यादा स्पाइक्स और ट्रफ्स भी देखे। थैंकफुली थोड़ा सा पिछले 3 हफ्तों से अब स्टेबिलाइज भी हो चुका है एंड आई बिलीव दैट इट हैज बीन द रिजल्ट ऑफ स्टिकिंग टू एन एक्टिव स्ट्रेटजी विच आई वुड से इज अ 3-स्टेप प्रोसेस विच इज ऑल अबाउट बेसिकली रिग्रेस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नंबर 1, देन अग्रेसिव सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग फॉलोड बाय इमीडिएट आइसोलेशन एंड आई थिंक वी विल हैव टू कंटिन्यू डूइंग दैट इफ वी हैव टू क्योर शोपियन ऑफ कोविड। माशाल्लाह, हीरपुरा की अगर हम बात करें, ये आज की डेट में एक सक्सेस स्टोरी है, न सिर्फ यूटी जेएनके में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में। इसके बारे में हमारे देखने वालों को कुछ बताएं। जी पहले तो जैसे आप जानते हैं कि हीरपुरा इज अ प्रोलिफिक विलेज, इट्स द लास्ट विलेज ऑन द मुगल रोड, इनफैक्ट काइंड ऑफ कश्मीर वैली का एक कोना है वो। और उधर शुरुआत में कॉन्ग्रीगेशन रिटर्निंग के केसेस आए तो उसके बाद स्प्रेड ऐसे ऐसे बढ़ता गया कि पूरे इस 2 महीने के अंदर वहां से 72 केसेस निकले। बिल्कुल, और एक पॉइंट पे तो हमारे लिए वो काफी हॉरर स्टोरी था विच वी मैनेज टू टर्न इन टू अ सक्सेस स्टोरी। बेसिकली उन लोगों का जो ओरिजिनल पॉजिटिव केसेस थे, उन लोगों का प्रेजेंस वहां पे सिर्फ 3 दिन तक था, जब तक हमें अलर्ट आ गया एंड हमने उनको इमीडिएटली क्वारंटाइन और टेस्ट किया। बट उसी दौरान थोड़ा बहुत जो आगे उनकी फैमिलीज में स्प्रेड हो चुका था। वंस अगेन थैंकफुली ये एक ही मोहल्ला था जिसमें बेसिकली वो लोग ओरिजिनल केसेस मौजूद थे और सब्सिक्वेंट जो भी केसेस आए वो उन्हीं के प्राइमरी कॉन्टैक्ट थे, उन सब उस मेन मोहल्ले के आसपास जो सैटेलाइट मोहल्ले थे उधर से ही। तो तकरीबन ओवर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 1 मंथ हमने हीरपुरा, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1800 है, हमने टोटल उसमें 2000 के करीब टेस्ट किए। और वो भी क्योंकि जो एक बार हमारा पूरा जो वो स्वीप हो गया, तो उसके बाद हमने ये चेक करने के लिए कहीं कोई भी रह तो नहीं गया या जो इनिशियल जो नेगेटिव केस आया वो फिर से रिपीट तो नहीं हो गया, उसको हमने फिर से चेक करने के लिए और एक्स्ट्रा टेस्ट किए। उसके अलावा जो दशनू और कुछ ऐसे आगे पीछे वाले विलेजेस हैं वहां भी हमने कोई 150-250 टेस्ट किए यही चेक करने के लिए। हीरपुरा में इन स्पाइट ऑफ सम हिकअप्स, थोड़े कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग भी थी, बट इमीडिएटली आई थिंक अल्टीमेटली आई थिंक जो मेन रोल रहा वो लोगों का रहा जी। हमें इतनी कॉपरेशन और किसी इलाके में नहीं मिले जितनी हमें हीरपुरा में मिली। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के वो सामने आए, ताउन दिया लॉकडाउन मेंटेन करने के लिए भी और सैम्पलिंग करने के लिए भी। क्या लोगों ने आगाज में ही समझ लिया था कि ये जो कोविड है ये क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या ये शोपियन के लोगों को शुरू में ही समझ आ गया था या उन्हें समझाना पड़ा? जी पहले तो शुरुआत में तो बिकॉज ऑफ यू नो मीडिया प्रेशर एंड ऑल ऑल्सो थोड़ा बहुत स्केयर था ही, बट आज की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव बीन फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम लेटली। काफी र्यूमर मॉन्गरिंग और मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन
गलत फहमियाँ गलत इत्तला है लोगों में शोपियान के कुछ कुछ इलाकों में जो ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड इज़ अ होक्स, ये क्योंकि लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग मोस्टली जो हमारे पॉजिटिव केसेज हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं जी, तो लोग देख रहे हैं कि इन एसिम्प्टोमेटिक केसेज को हम घर से उठाते हैं, आइसोलेट करते हैं और फिर 15 दिन बाद वो नेगेटिव होकर भाग वापस आ जाते हैं, तो उसके चलते लोगों को थोड़ा सा इस में नॉन सीरियसनेस आ गई है और कुछ कुछ एरियाज जहाँ पे लिटरेसी लेवल काफ़ी लो है तो उधर तो ये बिलीव भी हो गया है कि इट्स अ होक्स और सम सॉर्ट ऑफ कॉन्स्पायरेसी विच इज़ एब्सोल्युटली यू नो हिलेरियस। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 8 डेथ्स हो चुकी हैं जी, उसके बावजूद भी लोग इस कुछ एरियाज के इतने सीरियस नहीं हैं। अब जैसे मैं बात कहूँ कि 2-3 क्लस्टर्स बन चुके हैं हमारे इलाके में जहाँ लोग हर शिद्दत से बहुत शिद्दत से वो रिजिस्ट कर रहे हैं सैम्पलिंग को। हमारी टीम जब सैम्पलिंग करने जाती हैं तो उनको कोई अपने घर पे नहीं मिलता, सब जगह ताले लगे रहते हैं, द एंटायर विलेज टर्न्स इनटू गोस्ट विलेज, लोग बागों में भाग जाते हैं। कुछ 2-3 बार अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम्स पे हमला भी हुआ, उनको भगाया गया मारपीट के, उन पर पथराव भी हुआ, स्टोन पेल्टिंग भी हुई। अब ये प्रॉब्लम चलते हुए हमने एक बड़ा ही एक्टिव IEC कैंपेन लॉन्च किया है उन एरियाज में, स्पेसिफिकली थोड़ा जो हमारे उस एरिया के रेजिडेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं हमने उनसे लीड ली। उनको हमने कहा पहले कि आप खुद पहले सारे अपने और अपने फैमिलीज का टेस्ट करवाइए और उन्हें देखते देखते अब बाकी लोग भी सामने आ रहे हैं। दूसरा हमें उलेमा हजरात की काफ़ी सपोर्ट मिली, उनके थ्रू हमने हर एक मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करके बार बार दिन में अनाउंसमेंट करवाते रहे, जो भी कोई अपडेट हमें मिलता था कि हाँ यहाँ केसेस इतने आ गए वो आ गए, उस एरिया को अवॉइड करें वगैरह, क्योंकि रेड जोन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मोहल्ले वगैरह रहते हैं, तो वो एक हमारा काफ़ी वाइब्रेंट सिस्टम बन चुका है अनाउंसमेंट्स का एंड दैट इज़ हेल्पिंग अस यू नो एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ मिसकंसेप्शन। बहुत खूब, आपने रेड जोन्स की बात की, तो अगर शोपियन डिस्ट्रिक्ट की अभी हम बात करें तो कितने रेड जोन्स हैं और कितने रेड जोन थे जो ऑरेंज या ग्रीन में तब्दील हो चुके हैं? जी, ऐसे तो टोटल हमारे जोन्स अभी 50 से ज़्यादा हो गए थे, उसमें से तकरीबन 28 जोन्स ऐसी हैं जो ऑरेंज और ग्रीन में शिफ्ट हो गई हैं। अभी सिर्फ हमारे पास तकरीबन 12 से 18 जोन्स हैं जिसमें से बीच बीच में केसेस रिपीट हो रहे हैं जी, और उसमें भी एक्टिवली अभी मैं कहूँ तो पिछले एक हफ्ते में सिर्फ 5 या 6 जोन्स हैं। उसमें हमने हर किस्म की शोपियाँ में हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो रेड जोन्स कंटेनमेंट करने में ये लगा, क्योंकि वो हर एक विलेज शोपियाँ इज ऑल अबाउट ऑर्चर्ड, हर कोई अगर बागवानी करता है तो जो आबादी दे रहता है गांव का उसके आसपास सिर्फ बाग ही बाग रहता है, तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू बैरिकेड ऑल द रूट्स लीडिंग इनटू द विलेज, तो उस चल के हमें दिक्कत आई, जितना हमारे से रूट क्लोजर या डिप्लॉयमेंट हो सकी पुलिस की वो हमने की। बट हाँ, कुछ कुछ एरियाज में जहाँ केसेस रिपीट हुए उसमें हमने रियलाइज किया है कि देर इज अ कोरिलेशन, जहाँ पे लोगों ने शटडाउन लॉकडाउन इतना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, सीरियसली नहीं लिया या बागों के थ्रू अपने रूट्स रखे, उधर थोड़ा वो परमिएशन होती रही आगे पीछे और केसेस रिपीट होते रहे। अभी जो केसेस रिपीट हो रहे हैं उनकी वजह क्या लगती है आपको? क्या यही जो आप बता रहे हैं या कोई और वजह भी है? जी, वही है जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स बनते जा रहे हैं जी, उन्हीं को ही हम अभी डिटेक्ट करने में लगे हुए हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसमिशन। रेड जोन्स की अगर हम बात करें, रेड जोन्स में सप्लाईज का मसला रहता है, रेड जोन्स की एक नॉर्मल लाइफ चलाने का मसला रहता है, तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रेड जोन्स में बाकी जो काम है कोविड को लड़ने के अलावा उस पर कैसे काम कर रही है? जी, जैसे एज सून एज वी अनाउंस पर्टिकुलर विलेज एज रेड जोन, मतलब उसमें से अगर एक केस भी आ जाता है तो हम उसको रेड जोन करार कर देते हैं। हम पहले तो उधर जितना पेंडिंग सप्लाई होता है वो डाल देते हैं, चाहे वो राशन का हो, केरोसिन का हो, इनफैक्ट बैंक की तरफ से एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जाके कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी कराता है जी। फिर देन वी गो फॉर लॉकडाउन बैरिकेडिंग द रूट्स एंड ऑल। We appoint a person as administrator or in charge of that red zone, and हमने इनिशियली ही हर एक विलेज में विलेज लेवल कमेटी, सर्वेलेंस कमेटी बनाई हुई है जी, जिसमें आशा वर्कर, FMPHW, आंगनबाड़ी वर्कर, लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल लाइक पटवारी और सिविल सोसाइटी मेंबर्स लाइक सरपंच और औकाफ कमेटी हेड वगैरह, उन सबको हमने रखा हुआ है। और यूजली जो भी उधर फिर रेड जोन में हमें इमिडिएट एक्शन प्लान होता है कि सैम्पलिंग ऑफ ऑल पॉसिबल प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स एंड देयर इमीडिएट डिटेक्शन फॉलोड बाय आइसोलेशन, तो वो प्रोसेस फिर उसके अगले दिन दूसरे दिन कंटिन्यू चलता रहता है। एंड उसमें जो हमारी ये विलेज लेवल कमिटीज हैं,
ये काफ़ी एक्टिव रोल अदा करती हैं जी। ये जो रेड जोन्स हैं हमारे, वहाँ से किस तरह का कॉपरेशन आपको मिल रहा है? क्योंकि जब आप अचानक से एक इलाके को रेड जोन डिक्लेयर करने के बाद उसको बंद कर देते हैं, उसके एंट्री एग्जिट्स बंद हो जाती हैं, तो फिर लोगों का उस पर कैसा रिएक्शन रहा और किस तरह से कॉपरेट कर रही है? जी जैसे मैंने कहा, हर जगह एंट्री एग्जिट बंद करना मुमकिन भी नहीं होता और अल्टीमेटली वो लोगों पे ही डिपेंड करता है। रिस्पॉन्स हैज बीन वैरिड। कुछ इलाकों में लोगों ने खुद लॉकडाउन ऑब्जर्व करके हमारे एफर्ट को सपोर्ट किया, कुछ इलाकों में नहीं हुआ। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग। ये जो हमारे रेड जोन में अगर कोई बीमार हो गया, या जैसे हमारे प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनको अचानक से कभी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, या हमारे डायलिसिस के काफी सारे पेशेंट्स रहते हैं, या अचानक किसी को कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, उस वक्त कैसे एडमिनिस्ट्रेशन? उसमें हमने वो मूवमेंट प्लान ऑलरेडी हम मेंटेन रखा हुआ है जी। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन हमने स्पेसिफिकली फॉर एम्बुलेंस मूवमेंट और इवन सिक्योरिटी फोर्स मूवमेंट, वो सब हमें रखना ही था। तो वो सब फैक्टर्स मद्देनजर रख के ही हम उसकी बैरिकेडिंग करते हैं। ओवरऑल अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो कितना सक्सेसफुल मानते हैं आप शोपियन का लॉकडाउन? जी शोपियन जैसे जिले में हर जगह पुलिस डिप्लॉय करना मुमकिन भी नहीं होता, तो लॉकडाउन मेंटेन करना, जैसे मैंने कहा कि लोगों का ही एक मतलब उनकी ही जिम्मेदारी है। और कुछ इलाकों में हमें सपोर्ट मिली, कुछ में नहीं मिली, कुछ में तो लोगों ने काफी वायलेंटली उसको डिसोबे भी किया। बट आज की तारीख में हम अनलॉकडाउन के लिए जा रहे हैं और उसमें ये एक बहुत मतलब मसला रहेगा कि कुछ एरियाज के लोग जो अभी एग्जिस्टिंग रेड जोन हैं या एक्टिव रेड जोन है उसमें आजकल में भी केसेस आ रहे हैं, वहां से अगर निकलते घुसते जा रहेंगे तो उसमें हमारा फिर एफर्ट डिफीट हो जाएगा। तो एक मेरी मुझना गुजारिश रहेगी आपके इस प्रोग्राम के थ्रू शोपियान के वाम से, पर्टिकुलरली हमारे जो रेड जोन में बाशिंदे रह रहे हैं उनके लिए, कि आपके इलाके, आपके गांव, आपके रेड जोन का मुस्तकबिल रिगार्ड टू कोविड वो आप ही के हाथ में है। अगर आप लॉकडाउन मेंटेन करेंगे, सेल्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, आइसोलेशन और क्वारंटाइन मेंटेन करेंगे, तो तभी आप अपने अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, अपने हमसायों को, पूरे गांव को महफूज रख सकेंगे। इंतजामिया कुछ ही हद तक ये कर सकता है और ऑब्वियसली अनलॉकडाउन के चलते अब हमें और सहूलियत जारी करनी है, बट ये अब आपके हाथों में रहेगा कि आप ये प्रिकॉशंस कैसे मेंटेन करते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज की अगर बात करें तो शोपियन डिस्ट्रिक्ट में अभी कोविड को लेकर हेल्थ फैसिलिटीज में क्या क्या है हमारे पास? जी शोपियन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज बीन डिक्लेयर्ड एज अ कोविड हॉस्पिटल एज यू नो, और इनिशियली हमारे सारे पॉजिटिव केसेस वहीं चल रहे थे। उसके अलावा तकरीबन 30 क्वारंटाइन सेंटर्स हमने बनाए हुए थे। अब उसके उनमें से कुछ और कुछ एडिशनल फैसिलिटीज हमने कोविड वेलनेस सेंटर्स और कोविड हेल्थ सेंटर्स करार कर दिए हैं, फॉलोइंग इन लाइन विद द पॉलिसी ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट, एंड दैट हैज हेल्प्ड अस डीकंजेस्ट आवर हॉस्पिटल इमेंसली। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि 99% ऑफ आर कोविड पॉजिटिव केसेस आर एसिम्प्टोमैटिक। सो और दूसरा हमारे हमें ये भी मसला आ रहा था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की काफ़ी और सर्विसेज सस्पेंड हो रही थी। सो जब से हमने ये शुरू किए हैं और अभी तकरीबन 9 कोविड वेलनेस सेंटर्स एक्टिव हैं विच आर होस्टिंग टोटल ऑफ 210 एक्टिव पॉजिटिव केसेस। हमने उधर अलग स्टाफ डिप्लॉयमेंट, डॉक्टर्स की डिप्लॉयमेंट सेपरेट कर दी है। जो एडिशनल फैसिलिटीज थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीमीटर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो भी सेपरेट हमने प्रोक्योरमेंट करके उधर रख दिए हैं। दीज आर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्पेशली जो सबसे हमारे अच्छी हालत और सहूलियत थी जिनमें, और उन्हीं को ही हमने ये उस फर्दर इक्विप करके विद बेड्स एंड मैट्रेसेस एंड एवरीथिंग वैसे कन्वर्ट किया है। और नाउ आई थिंक ये अब तो हमारा कोई पूरा एक महीना हो गया जब से दीज कोविड वेलनेस सेंटर्स हैव बीन प्रेस्ड इनटू एक्शन। आई थिंक शोपियान इज पॉसिबली द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर दीज वेलनेस सेंटर्स वर एक्टिवेटेड एंड दैट टू ऑन सच अ स्केल एंड लेवल। हमारे रेफरल्स बहुत कम हैं जी। इनफैक्ट दोस्तों 10 एक्टिव केसेस में से सिर्फ कोई 6-8 केसेस होंगे जो श्रीनगर के टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है। मम्मी की छुट्टी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके, इस घर की बेटियां।
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। योग जीवन जीने का नियम और संयम, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें आजाद करता है ताकि हम पूरी दुनिया में प्यार और शांति फैला सके। तो आए पूरी दुनिया में शांति और प्यार के मैसेज को फैलाने के लिए 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग अभ्यास शुरू करें। योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में एडमिटेड है, बाकी सारे केसेस को हम यहीं पर ही ट्रीट कर रहे हैं। और इसमें उसके साथ साथ मैं रिकवरीज की अगर बात करूं तो ओवर 400 प्लस पीपल हैव रिकवर्ड आल्सो। जी इनफैक्ट ये कल ही हमें 58 रिकवरीज हुई हैं, आर हाईएस्ट रिकवरी फिगर एवर, एंड ऑल दीज पीपल हैव बीन ट्रीटेड एट आर वेलनेस सेंटर्स। सो आई एम कॉन्फिडेंट इनफैक्ट दैट विल बी एबल टू वेरी इफेक्टिवली मैनेज मोस्ट ऑफ आवर फ्यूचर केसेज एज वेल। और ये आई थिंक हमारी एक तरीके से अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी है कि हम सारे पॉजिटिव केसेस को प्रॉपरली हैंडल और ट्रीट करना अब अच्छे से समझ चुके हैं। पूरा हमारा स्टाफ एक अच्छे मोमेंटम में चल रहा है इन सेंटर्स को हैंडल करते हुए। इसमें एक दूसरी बात भी मैं कहूँगा कि फर्स्ट मई को डायरेक्टरेट हेल्थ की तरफ से एक वो पॉलिसी रिविजन हुआ था विद रिस्पेक्ट टू गायनी रेफरल्स। डीएच ओपीआर में अभी तक इमरजेंसी एलएससीएस नहीं होता था। किसी भी इमरजेंसी लेबर केस जो एनी वुमन इन हुज इन प्रेग्नेंट वुमन हुज इन लेबर, उसको अगर इमरजेंसी सर्जरी चाहिए होता था तो उसको पुलवामा या श्रीनगर जाना पड़ता था। बट फॉलोइंग द चेंज ऑफ पॉलिसी वी वर फोर्स टू एक्चुअली डेवलप आर यू नो इमरजेंसी एलएससीएस कैपेसिटी। और इसके चलते हमने हमारा जो डिलीवरी रेट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का वो ऑलमोस्ट 4 times उधर हो रहा है। मतलब फॉर इंस्टेंस मई में हमने वहाँ पे 130 LSCS किए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी, एंड दैट इज अ बिग लीप अहेड फॉर अ हॉस्पिटल। उसमें हमने काफ़ी वैल्यू एडिशन भी की है बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट। नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ सेकेंड गायनी थिएटर एज वेल। सो एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई इस यू नो कोविड डिजास्टर के चलते कि हमने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई और नए नए चैलेंजेस को टैकल करना भी सीखा। एंड आई थिंक दैट दीज विल एक्चुअली हेल्प अस इन रेंडरिंग रेगुलर हेल्थ केयर सर्विसेज एट अ मच बेटर लेवल एज वेल। जी इंशाल्लाह। अगर हम बात करें इन पेशेंट जो हमारे हैं या हम बेड्स की बात करें कोविड को लेकर, अगर जो कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ जाते हैं तो हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, कितने बेड्स हमारे पास हैं, या जो हम क्वारंटीन में रखते हैं लोगों को वो कैपेसिटी हमारे पास कितने बेड्स की है? जी टोटल हमें जो कोविड वेलनेस सेंटर्स, कोविड हेल्थ सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल का और अगर मैं क्वारंटाइन सेंटर्स भी मान के चलूँ तो शोपियां जिले में हमने टारगेट अपना जो बनाया हुआ है वो 1000 बेड्स का है। और उसमें से तकरीबन 600 बेड्स अवेलेबल, 650 बेड्स आई वुड से आर currently available also, जो हमने procurement भी की है, stocking भी की है, and they are ready to get occupied also, and as we immediately start you know adding more beds as soon as we realize कि the number of cases are getting higher as well. कभी भी हमें 300 beds से ज़्यादा किसी भी time पे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि लोग subsequently recover भी होते गए। माशाल्लाह। क्वारंटीन सेंटर्स की अगर बात करें या कोविड वेलनेस सेंटर्स की हम बात करें, वहाँ पर खाने पीने के जो इंतजाम थे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करे नॉर्मली, या दवाइयों की हम बात अद्वैत की बात करें नॉर्मली, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि लोग खुश नहीं थे उस खाने से क्योंकि हर जगह घर जैसा खाना तो होटल में नहीं मिलता, तो वेलनेस सेंटर की तो बात नहीं। तो वहाँ पर आपको कैसा रिस्पांस मिला लोगों का और किस तरह से आपने वो टैकल की वो सिचुएशन? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये काफ़ी घर जैसा माहौल तो कहीं किसी भी हम वेलनेस सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर में नहीं मुहैया करा सकते। और शुरुआत में लोगों ने कुछ कंप्लेंट्स भी की जिसको हमने एड्रेस भी किया इफेक्टिवली। अब हमारा सिस्टम काफ़ी स्मूथ हो चुका है, काफ़ी अच्छी मशीनरी हमारी चल रही है सारे ये फूड डिलीवरी की,
और जो भी हमें एक्सपीरियंस अभी तक मिला है 3 महीने से ये हैंडल करते करते, उसके बेसिस पे हमने बिल्डअप भी किया है। सो खुदा के फजल से कोई ऐसी अब दिक्कत नहीं आ रही है। इनफैक्ट इसमें मैं ये भी बात रखना चाहूँगा कि शोपियान वाहिद एक जिला है जहाँ पे हमारी ये फूड डिलीवरी जो सारी हो रही है क्वारंटाइन सेंटर्स और वेलनेस सेंटर्स में, इसमें सिविल सोसाइटी जो है हमारे टाउन की, और पर्टिकुलरली मैं रहमतुल आलमीन ट्रस्ट शोपियान का जिक्र करना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़ के इन सब सेंटर्स में मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं लगातार, और उस सर्विस से काफ़ी लोग खुश हैं। बहुत खूब नाजरीन, जहाँ हम शोपियन की बात करते हैं सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर सिविल सोसाइटीज ने बहुत सारा काम किया, जैसा कि हमारे आज के मेहमान फरमा रहे हैं, और ये मिसाल बन चुकी है पूरे J&K यूटी के लिए। तो बाकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, वहाँ भी सिविल सोसाइटीज आगे आ सकती हैं, इसी तरह वॉलंटियर होकर अपने लोगों के लिए, अपने आवाम के लिए काम कर सकती हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी पिछली बार, काफ़ी ज़्यादा उस पर लोगों ने बड़ा उसको पॉजिटिवली लिया, फ्री राशन। फ्री राशन एक बहुत बड़ा मसला था, आपने फ्री राशन कैसे प्रोवाइड करवाया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट शोपियन में भी काफ़ी तादाद है उनकी, तो उन तक फ्री राशन कैसे पहुँचा और किस हद तक वो राशन उन्हें दिया गया और क्या क्या दिया गया उसमें? जी बिल्कुल, ये बेसिकली दो अलग अलग स्कीम हैं। इसमें जो पहला हमें आया था प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो फ्री राइस फॉर एवरी सोल जी, और 1 किलो दाल फॉर वन ईच फैमिली, दैट वाज अ वन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने करार की। शोपियां जिले में 38,000 फैमिलीज आर इन बीपीएल कैटेगरी, सो इट वाज अ वेरी मैसिव एक्सरसाइज, वेरी एक्सटेंसिव एज वेल, बट इट वाज हैंडल्ड वेल इन एडवांस। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्रॉस चेक भी करवाई थ्रू आर रेवेन्यू टीम्स, दे वर मॉनिटरिंग द सेम एज वेल। कुछ जगह कंप्लेंट्स थी कि जैसे 5 किलो की बजाय 4 किलो तो नहीं मिल रहा है, वैसा सब वी वर एबल टू एड्रेस इन टाइम। तकरीबन मैं कहूँगा कि 3 हफ्ते में ये डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो गई थी। अब हम आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमें मिला है स्पेसिफिकली फॉर आर माइग्रेंट्स हु आर स्टेइंग विद अस, 2 मंथ्स ऑफ फ्री राशन, उसको हम वो भी हमने इनफैक्ट सारा डिसबर्स कर दिया है काफ़ी इफेक्टिवली। उसमें मैं अगर जिक्र करूँ तो कुछ ऐसे माइग्रेंट्स थे जो सीजनल थे, कुछ ऐसे थे जो सेटल्ड थे, तो उनकी रजिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन करना भी एक चैलेंज था, बट इफेक्टिवली हो चुके हो गया जी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब काफ़ी महीनों से काम नहीं कर पाए हैं, कुछ कमा नहीं पाए हैं क्योंकि काफ़ी मसले रहे हमारे यहाँ पर, तो उन्हें कभी कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़ी, अद्वियात की ज़रूरत पड़ी, तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें वो दवाइयाँ मुहैया कराई जिन्होंने दवाइयाँ खुद एफोर्ड ना की हैं? जी बिल्कुल, ये इनफैक्ट हमने काफ़ी अपना इधर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को यूनिफॉर्म तरीके से हैंडल करने की कोशिश की। देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड थे अलग अलग किस्म के, चाहे वो विडो पेंशन हो या ओल्ड एज पेंशन हो, हैंडीकैप पेंशन हो, या दे वर रजिस्टर्ड विद द ALC एज अ लेबरर। सो इन सब में जैसे जैसे हमें ऊपर से स्लॉट्स आते गए, हमने इनकी पेंडेंसी क्लियर करने में बहुत स्ट्रेस किया, और मुझे बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शोपियां में हमने तकरीबन 900 पेंशन्स जो स्लॉट्स थे वो फैसिलिटेट करवाए। उसके अलावा अनदर 1500 लेबरर्स वर गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज पर पर्सन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम ऑफ 15 लाख प्लस हैज बीन डिसबर्स टू द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड एज वेल, स्पेशली फॉर पेशेंट्स हु रिक्वायर्ड डायलिसिस। शोपियान में स्पेसिफिकली आपने सुना होगा कैंसर इंसिडेंस काफ़ी हाई है, इट्स पॉसिबली लिंक टू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन ऑर्चर्ड्स एज वेल एज सम जेनेटिक फैक्टर्स, सो उनकी कीमोथेरेपी रिक्वायर कर रहे थे जो लोग, उनको हमने काफ़ी पर्टिकुलरली असिस्ट किया। उनकी मूवमेंट भी टिल श्रीनगर एंड ऑल वॉज टेकन अप स्पेसिफिकली, वी मेंटेन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल लिस्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स रिक्वायरिंग कीमोथेरेपी, एंड वी हैड गिवन देम अ मंथली पास फॉर द सेम। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने कहा कि एनीबडी रिक्वायरिंग यू नो फाइनेंशियल हेल्प फॉर मेडिसिन और ट्रीटमेंट वॉज प्रायोरिटाइज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड। बहुत खूब, जो हमारे शोपियन में लोग अभी हैं जिन्हें अभी हम देखते हैं लो पॉवर्टी लाइन के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उन्हें गैस भी मुहैया कराएगी, उनके अकाउंट्स में पैसा गया, क्या शोपियां में भी वो पैसा लोगों को मिला या उसमें कहीं कोई कोताही रही?
जी आप उज्ज्वला भारत उज्ज्वला जी स्कीम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें इशू इज नॉट द टाइम टेकन फॉर ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी, इशू इज कवरेज। जी बिकॉज ये भी सबसे बड़ा चैलेंज हमें रहता है साउथ कश्मीर में कि अभी भी लोग क्रूड इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज करते हैं फॉर कुकिंग स्पेशली इन शोपियान, एंड दैट एक्चुअली एड्स टू आवर इलेक्ट्रिसिटी वोज एज वेल ऑन दैट एंड। तो हमारी कोशिश रही है कि हम उज्ज्वला स्कीम के थ्रू एलपीजी कंज्यूमर कवरेज बढ़ाएं, और इस दौरान लॉकडाउन के चलते बिकॉज घर पे हर एक चीज़ की डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ जाती है, तो उसमें जैसे आपने खुद भी सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी लोड वाज एक्चुअली हायर देन विंटर्स जी, और उसको बैलेंस करना काफ़ी हमारे लिए दिक्कत था। तो उसके साथ साथ में दिस वॉज बिकॉज पीपल वर यूजिंग दोज हीटर्स फॉर कुकिंग, सो वी इंश्योर दैट कवरेज साथ साथ में उज्ज्वला की बढ़ती जाए। अराउंड 700 प्लस मोर बेनिफिशरीज हैव बीन एडेड इन शोपियान, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि वी विल पॉपुलराइज द स्कीम एज मच एज पॉसिबल इंशाल्लाह। क्या कोविड कंट्रोल रूम कोई हमारा वहाँ स्टैब्लिश है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग 24/7। बहुत खूब। मनरेगा के तहत काफ़ी सारे लोगों को आराम पहुँचा। मनरेगा एक ऐसी वो सूरज की किरण है जिसने बहुत सारे घरों को फिर से रोशन कर दिया। मनरेगा के हवाले से बात करें कि क्या कुछ चल रहा है शोपियन में? जी इनफैक्ट शोपियन वॉज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें मनरेगा वर्क्स वर रिज्यूम्ड ऑलमोस्ट मंथ एंड अ हाफ अगो, और ये हमने इसलिए लिया था बिकॉज ऑलरेडी हमारा जो थोड़ा हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो सीजन था लास्ट ईयर का वो हिट हो गया था, लोगों की पर्सनल इनकम्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, एंड वी थॉट कि इट वॉज important that we kickstart our rural economy through some means or the other, and wo humne ek bade active manner mein facilitate kiya ki village level pe hi the you know work supply and the work process and execution is undertaken without actually any movement throughout the district, taki lockdown bhi maintained rahe aur kaam bhi chalte rahe, और उसका एक काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हमारा डेवलप हो गया। हमारी 98 पंचायत हैं और उसमें तकरीबन हमारे टोटल अराउंड 250 वर्क्स मनरेगा के इस पीरियड में एग्जीक्यूट हो चुके हैं। लॉट ऑफ आर पेंडिंग वेज लाइबिलिटी जो थी वो हमने क्लियर की, और उससे लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिली इस मुश्किल दौर में अपने इनकम्स फैसिलिटेट करने के लिए। जी इस मनरेगा का काम जो शुरू हुआ, लॉकडाउन को भी मेंटेन करना था, लोगों को राहत भी पहुंचानी थी, उन तक पैसा भी पहुंचाना था, तो इसमें एसओपीज जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं उन्हें कैसे मेंटेन किया गया? जी मुश्किल था ऑब्वियसली, किसी लोकल लेवल पे गैदरिंग जब होती है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो जाती है, तो आर वीडियोज एंड ऑल हैड टू इंश्योर दैट यू नो आर वीएलडब्ल्यूज एंड जीआरएस लोकल पंचायत सेक्रेटरी एंड ऑल वर प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टू इंश्योर कि वो सारे नॉर्म्स मेंटेन होते रहे। जी 14th एफसी की अगर बात करें, इसके हवाले से कुछ हमारे देखने वालों को बताएं। जी 14th एफसी ऑल्सो हैज बीन क्वाइट अ सक्सेस इन शोपियान, अगर मैं बात करूँ ये तकरीबन मतलब आई वुड से 9 करोड़ प्लस रुपीज 9 करोड़ प्लस वर्थ वर्क्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड, एंड इसमें तकरीबन 400 प्लस वर्क्स आप मान लीजिए, और इसके अलावा मैंने कल ही नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ वर्क्स भी सैंक्शन किए हैं। इसमें फोर्टीन्थ एफसी हैड बिकम अ वेरी पॉपुलर वे ऑफ यू नो गेटिंग इमीडिएट यू नो नीड्स इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एड्रेस्ड एट द रूरल लेवल। एक्चुअली जो पिछले साल हमारी बेवक्त बर्फबारी भी हुई और ये हैवी स्नोफॉल भी रही, तो काफ़ी लोकल लेवल पे रूरल लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था छोटा मोटा वो डिस्ट्रॉय हो गया था, काफ़ी जो लैंड था इट वाज वॉर्न अवे, इट हैड गॉटन इरोडेड, तो बहुत जगह रिक्वायरमेंट थी प्रोटेक्शन बंच की, रस्तों की, लेन्स एंड ड्रेन वगैरह की, एंड 14th FC से हमने उनको एक स्पर्ट में एड्रेस किया विच लेड टू अ ह्यूज यू नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल ऑल्सो, एंड आई एम क्वाइट ग्लैड कि हमारी कवरेज इतनी 400 प्लस वर्क्स की कवरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। माशाल्लाह। आने वाले दिनों में क्या प्लान है इसके तहत? जी एक लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ वर्क के बाद आई थिंक हमारा 15th FC भी किक इन हो जाएगा जी, और अब हमारा प्लान ये ऐसा हो गया कि पहले पे जो हम लोकलाइज लेवल पे काम स्टार्ट कर रहे थे, अब जो बड़े बड़े काम हैं वो रिज्यूम कर दिए।
again, Shobhyan had taken the lead in resuming R&B works. In fact, magnetization bhi hamari sabse pehle rahi. Teen hafte se hamari magnetization jari hai. Aapne NH444 ka naam suna hoga. Uski magnetization Shobhyan zile se hi shuru hui hai. PMGSY works ki magnetization bhi teen roads pe abhi active hai. R&B ki bhi jari shuru ho chuki hai. Uske alawa kuch agar main bade projects ka zikr karu, hamari You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. R&B की भी जारी शुरू हो चुकी है. उसके अलावा कुछ अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र करूं, हमारा रेश नगरी ब्रिज आपने सुना होगा, विच कनेक्ट शोपियान एंड कुलगाम ओवर द वेशम नाला. इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट वर्थ 16.5 crores. उसका पेंडिंग काम बहुत सालों से हैंग कर रहा था, जो हमने रिज्यूम करवाया, एंड इट इज क्लोज टू कम्प्लीशन. इट इज ऑलरेडी मोटरेबल, पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग इट. अभी फिलहाल बस अप्रोच R&B ने बनाया. इट्स अ स्टार प्रोजेक्ट ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट, एंड इंशाल्लाह विल इनॉग्रेट इट सून एज वेल. उसके अलावा और भी काफ़ी मेजर प्रोजेक्ट्स जो PCC एग्जीक्यूट कर रही थी, वो भी हमने री इनिशिएट करवाए. हमारा इंडोर स्टेडियम बन रहा है अडामा में, दैट इज क्लोज टू कम्प्लीशन. देन देर इज द त्रेंस शेखपुरा ब्रिज, विच इज अगेन अ लार्ज ब्रिज कनेक्टिंग शोपियान एंड पुलवामा. That is also close to completion. Our Polytechnic College की जो नई building बन रही है, वो भी PCC बना रही है, वो भी resume हो चुका है. A new state of the art auditorium in the Government Degree College in Shopian, that is also close to completion. So I'm quite glad that in spite of COVID lockdown, जितना हमसे हो सका हमने development reinitiate करने की कोशिश की, and that we have managed to do as well. Very lucky. इन दिनों में अगर हम बात करें, एक तरफ कोविड लॉकडाउन भी हमें मैनेज करना था, लॉकडाउन के साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का बहुत स्कोप है या बहुत ज्यादा लोग हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं. लॉकडाउन के चलते लोगों का सीजन था, चाहे स्प्रेज का सीजन था या बाकी बागवानी का सीजन था, उसे कैसे मैनेज किया और किस तरह से उसे आगे बढ़ाया? जी, इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट. मैं पहले स्प्रे सीजन पे ही आऊंगा. देखिये, आप जानते हैं कि अप्रैल मई में जो पीक सीजन होता है फंजीसाइड स्प्रे का, दैट वॉज वेरी सिवियरली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिपीटेड अनप्रेडिक्टेड रेनफॉल. और एक बार रेनफॉल हो जाता है तो जो भी स्प्रे किया होता है वो वॉश अवे हो जाता है, और उसके बाद फिर लोगों को एक वो मतलब क्लियर नहीं हो पाता उन्हें कैसे रीस्प्रे करना है, क्या करना है. और क्योंकि हमारा सीजन ऑलरेडी पिछला सीजन अफेक्टेड था, यील्ड कम थी, तो वी वर डिटरमाइंड टू एक्ट वेल इन टाइम. सो उसके अलावा फिर हमने ये दो और सेटबैक्स देखे. एक ही दो हफ्ते के पीरियड गैप में हमने दो हेलस्टॉर्म्स भी फेस किए. सो वो सब चलते हुए, क्योंकि हेलस्टॉर्म से स्कैबिंग हो जाती है जिसमें फिर फंगल इन्फेक्शन बढ़ती है और फ्रूट खराब हो जाते हैं, तो उसके चलते हमने इमीडिएट एडवाइजरी जारी की और उसे घर घर पहुँचाने की कोशिश की थ्रू ऑल मीडियम्स, बी एट रेडियो और यू नो टीवी और इवन पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल. एंड थैंकफुली वो स्प्रे स्केड्यूल वापस रीइंस्टेट करना वो हमारी प्रायोरिटी रही. स्प्रे के जो ये सारी जो फंजिसाइडल डीलर्स थे, इनको भी हमें फैसिलिटेट करना पड़ा ताकि इनकी सप्लाई मूवमेंट में भी कोई इशू नहीं हो, क्वालिटी चेक भी मेंटेन रहे. एक दो हमने सीजर्स भी किए जहाँ पे स्पूरियस क्वालिटी पेस्टिसाइड्स वर बीइंग सोल्ड. And also we had to facilitate, give permission to people to come to the dealers and purchase in a controlled manner and you know spray in their orchards as well. So all that was very keenly followed at district level and further facilitated at tehsil level. अब मैं आऊंगा हमारा जो अभी करंट सीजन चल रहा है चेरी का, उस पे जैसे आप जानते हैं कि शोपियान इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट हब्स ऑफ चेरी अपार्ट फ्रॉम श्रीनगर एंड गांधरबल. और तकरीबन 1000 ट्रकलोड ऑफ चेरी निकलता है मई और जून महीने में शोपियान से. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट चेरी इज कि इट्स एक्सट्रीमली पेरिशेबल. इट्स वो बहुत फास्ट उसमें रॉटिंग हो जाती है और
सिर्फ 2 दिन में उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, बहुत बहुत शॉर्ट शेल्फ लाइफ है। सो उसको चलते थोड़ा हमें इनिशियली ये पहले तो मंडी कैसे ऑपरेट होगी उसमें दिक्कत आ रही थी, बट हमने एसोसिएशन वालों के साथ मिलके एक एसओपी तैयार किया जिसमें हमने डंपिंग सिर्फ 11 बजे तक अलाउ की और लोडिंग एंड इवैक्यूएशन पोस्ट 11, ताकि अलग अलग जो ये ग्रुप्स हैं, एक तो जो ग्रोअर्स आ रहे हैं और जो ट्रक ड्राइवर्स आ रहे हैं वो अलग अलग वक्त आए, ताकि इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाए, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर्स बाहर के एरियाज के थे, कुलगाम में जैसे यारीपुरा कैमो के ट्रांसपोर्ट हब्स हैं वहाँ से भी थे, तो हम उनकी मिक्सिंग प्रिवेंट करने के लिए हमने ये कट ऑफ पीरियड रख दिया। नंबर ऑफ ट्रक्स जिनको हम लोड करेंगे पर डे उस पर भी कैप लगा दिया, नंबर ऑफ पीपल वुड बी प्रेजेंट इन द मंडी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो भी कैप लगा दिया। एंड आई मस्ट से मैं इनफैक्ट दाद देना चाहूँगा, कमेंट करना चाहूँगा जो शोपियां की हमारी फ्रूट ग्रोअर्स एसोसिएशन है, मंडी कमेटी है उनका, जिन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सारा एसओपी के तहत चलाया। अभी मेन कंसर्न दूसरा ये था कि रामबन में जो नेशनल हाईवे पे ब्लॉकेज जा रहे थे उसको चलते हुए लोगों की डिमांड थी कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है हमारे पास मुगल रोड वो खोला जाए, विच हैड नॉट बीन ओपनड इवन दो हमारी क्लियरेंस नो क्लियरेंस वगैरह हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन। सो उसमें फिर हायर अथॉरिटीज हैड टेकन अ वेरी जनरस कॉल एंड अलाउड रीओपनिंग ऑफ मुगल रोड जस्ट 2 डेज अगो ओनली फॉर 2 कैटेगरीज ऑफ ट्रक्स, 1 चेरी ट्रक्स एंड 2 ऑयल टैंकर्स एंड LPG ट्रक्स। और ये थोड़ा सा हमें भी प्रेशर है, काफ़ी अनऑथराइज अटेम्प्ट हो रही हैं क्रॉसिंग के लिए, जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं, बट हमें भी काफ़ी जो लोग सिफारिशें भी करते हैं, प्रेशर भी डालते हैं, तो एक और रिक्वेस्ट होगी मेरी लोगों से कि प्लीज पेशेंस रखें। आई एम श्योर आने वाले वक्त में ये पैसेंजर ट्रैफिक के लिए भी खुलेगा, बट अभी फिलहाल मुगल रोड इज नॉट ओपन फॉर सिविलियन मूवमेंट। एनी बडी हु इज अटेम्प्टिंग अनऑथराइज्ड क्रॉसिंग विल बी इज रिटर्न बैक आइदर फ्रॉम बफलियाज और फ्रॉम हीरपुरा, सो प्लीज कीप पेशेंस टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस, इंशाल्लाह देयर विल बी अ वे आउट सून। चौधरी साहब, क्या वजह रही आपकी बार मुगल रोड क्लियर तो हो गया था लेकिन उसके बाद भी इसे काफी देर तक रोक के रखना पड़ा, इसकी वजह क्या थी? जी उसमें ऑब्वियसली इट वाज अ हाई लेवल डिसीजन गिवन द यू नो वी हैड टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पीपल बिटवीन वेरियस डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। सो जबकि ये मतलब कश्मीर वैली का एक दूसरा तीसरा एंट्रेंस पॉइंट मान के चले, सो इट वॉज पॉसिबली इम्पॉर्टेंट फॉर द हायर अथॉरिटीज टू कर्टेल मूवमेंट ओवर मुगल रोड एज ऑफ नाउ, ताकि सिर्फ एक ही पॉइंट पे कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड सुपरवाइज मूवमेंट रहे, दैट वाज थ्रू रामबन। जी एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न था कि जो हमारा चेरी का जो फसल है ऑलरेडी काफ़ी नुकसान तो हो ही रखा था, तो उसके बाद अगर रोड जो हमारी रामबन में आपकी बार बहुत देर तक बंद रही उसकी वजह से लोग घबरा गए थे, हमारे बाग मालकान घबरा गए थे कि चेरी कैसे पहुंचेगा, उस वजह से वो मुगल रोड की बात करते। खैर अब तो मुगल रोड खुल चुका है और काफ़ी राहत पहुँच गई है हमारे इन बाग मालकान को जो चेरी से खासकर वाबस्ता हैं। पिछले साल भी नुकसान हुआ जब बर्फबारी हुई तो वक्त से पहले पेड़ टूट गए, अब की बार बारिशें हुई, अब की बार हेल स्टॉर्म्स हुए, तो इनकी वजह से बाग मालकान को काफी नुकसान हुआ, उस नुकसान को एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे लिया? जी जैसे आप जानते हैं कि शोपियान की पूरी इकोनॉमी आमदोरफ्त सिर्फ और सिर्फ ऑर्चर्ड पे ऑर्चर्ड प्रोडक्शन पे चलती है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पे, प्राइमरीली एप्पल्स हमारी पूरी प्रोडक्शन 30 लाख मीट्रिक टन के करीब है, और इसमें हमें काफ़ी एक ये सेटबैक मिला जो पिछले साल का हमारा सीज़न काफ़ी डिरेल हो गया। लास्ट ईयर हमें 2 इंस्टॉलमेंट रिलीफ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया विच वाज नॉट ऑब्वियसली कंपनसेशन, वाज मिनिमम अमाउंट विच वी कुड डू टू सपोर्ट पीपल, और पिछले साल मंडी भी डिस्टर्ब रही उस वजह से लोगों ने वो इतना रेट उनको अच्छा नहीं मिल पाया। हमने नाफेड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च की थी शोपियान में विच वाज क्वाइट अ सक्सेस, जितना हमसे हो सका हमने प्रोक्योर किया लोगों को उस सपोर्ट प्राइस पे। अब आने वाले नए सीज़न में ऑलरेडी ये जो 2 हेलस्टॉर्म्स हो गई हैं उसमें थोड़ा सा द सीज़न हैज़ स्टार्टेड विद अ बैड टेस्ट, बट आगे हमारी पूरी कोशिश है कि और हम ऑलरेडी लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को फैसिलिटेट करें कि वो अपने हार्वेस्ट अपने प्रोड्यूस की ग्रोथ सपोर्ट कर सकें। आपने सुना होगा कि पिछले साल हमने उस नाफेड स्कीम के लिए
जो हमारी न्यू मेगा फ्रूट मंडी अगलर है वो शुरू की थी, वो ऑपरेशनलाइज की थी, इवन दो इट इज इनकम्प्लीट, इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट वो 31 करोड़ अंडर पीएमडीपी एंड नाबार्ड। उसके चार फेजेस हैं जिसमें से सिर्फ दो या ढाई फेज एग्जीक्यूट हुए हैं, बट फिर भी हमने पिछले साल उसको ऑपरेशनलाइज किया और इस साल भी पेंडिंग वर्क ख़त्म करके हम उसे यूज़ में डालेंगे, बिकॉज उधर 10-12 फर्ड हैं, बहुत मैसिव एरिया है, सो एनीबडी एनी ग्रोअर कैन ब्रिंग हिज प्रोड्यूस विदाउट हैविंग टू यू नो हैंड इट ओवर टू टाउट हु इज़ होल्डिंग ऑन टू अ पर्टिकुलर स्लॉट ऑन द फर्ड। जो मेन कंसर्न हमारा रहता है कि मिडलमैन जो मंडी कंट्रोल करते हैं वो ग्रोअर्स को प्रॉपर फ्री फेयर तरीके से सेल नहीं करने देते, नहीं अलाउ करते उन्हें, तो वो मसला रिजॉल्व हो जाएगा विद दिस न्यू मंडी बिकॉज देर इज इमेंस स्पेस ओवर दैट। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट मॉडल एज वेल। सेपरेटली हमने यहाँ पे जो हमारी DLRC रहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसमें अगर मैं फिगर्स का थोड़ा जिक्र करूँ तो 1400 करोड़ हमारे शोपियान का रिवॉल्विंग क्रेडिट है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज फॉर द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वैली, और उसमें से 1200 करोड़ इज ओनली हॉर्टिकल्चर लिंक्ड क्रेडिट जिसमें सब आता है, जो ग्रोअर्स भी हैं, जो कोई मतलब ट्रेडर भी है उसमें, ट्रांसपोर्टर भी है, उस सब के टोटल जो मैं उनका लोन साइज बताऊँ उधर। तो हमारी यही कोशिश रही कि लोगों को जब इन्होंने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सबवेंशन अभी फ़िलहाल वो भी उन्होंने डोल आउट नहीं की है, बट एटलीस्ट रिटर्न और रिकवरी में जितना बैंक फैसिलिटेट कर सके लोगों को उतना उन्होंने किया। काफ़ी जगह जहाँ पे मतलब इन्हें नीलामी वगैरह की नौबत आई उसमें भी बैंक्स ने थोड़ा लीन व्यू लिया, बट इवेंचुअली पीपल ऑल्सो पेड बैक। और आगे हमारी ये कोशिश रहेगी कि लोग एक अपना डाइवर्सिफाइड ऑक्यूपेशन भी रखें सो दैट दे डू नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द सेक्टर, वाइल एट द सेम टाइम वी प्लेस इन वी कीप इन प्लेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेफ गार्ड्स जिसे हम हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी एंड ट्रेड प्रोटेक्ट कर सके और उसे फ्री एंड फेयर बना सके। जी, एक शम्मा जो चिराग जलाया जाता है घर को रोशन भी करता है, और कभी कभी कुछ घरों में वही शम्मा आग भी लगा देता है, घर भी जल जाते हैं। जहाँ एक तरफ हॉर्टिकल्चर पे हमारी शोपियन डिस्ट्रिक्ट जो है उस पर मुनसर है, वहीं सेब चरी के अलावा भी कुछ चीज़ें उगाई जाती हैं जिनके मेडिसिनल वैल्यूज बहुत हैं, लेकिन उन मेडिसिनल वैल्यूज का इस्तेमाल पॉजिटिवली नहीं किया जाता, उस पर शोपियन क्या कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहा है? जी आपने ठीक फरमाया, अनफॉर्चुनेटली शोपियन में जहाँ इतनी फर्टाइल ग्रोथ रहती है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की, उसके साथ साथ पॉपी एंड भांग कल्टीवेशन ऑल्सो फ्लरिशेज इन सम एरियाज, पर्टिकुलरली द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एरियाज, एंड ये लॉकडाउन के चलते ड्रग एडिक्शन हैड बिकम एन इवन बिगर प्रॉब्लम, बिकॉज लोग घर बैठे बैठे जब और ज़्यादा उनकी ड्रग कंजम्पशन बढ़ रही थी, उसके रिपरकशंस भी हमें कुछ दिखे। काफ़ी फ्रेश यूथ हैव यू नो बीन हैव बीन टर्निंग टू ड्रग्स नाउ एंड यू नो सफरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द सेम। इन फैक्ट अ फ्यू मंथ्स अगो देयर वाज अ वेरी ग्रूसम मर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, हार्ड वर्किंग फादर ऑफ टू यंग किड्स, ही वॉज हैक्ड टू डेथ बाय हिज ड्रग एडिक्ट टेनेंट। So that was a wake-up call for us, and we have launched a very aggressive war against you know poppy and bhang cultivation in the district. आपको मैं बता दूं कि तकरीबन 60 canal plus you know land has been cleared of narcotic cultivation through our revenue teams. इसके अलावा police and excise teams are also involved. We have also made a lot of seizures directly of you know dried husk. पॉपी हस्क जिसे फुकी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, एंड उसके साथ साथ हमने एक एक्टिव IC कैंपेन भी लॉन्च किया है स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स द यूथ टू अवॉइड देम फ्रॉम फॉलिंग इनटू दिस मेनेस। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एक तो कल्टीवेशन के हिसाब से पूरा ज़िला क्लियर हो जाए। इनफैक्ट वी हैव बिन मेंटेनिंग अ लिस्ट बाय एवरी यू नो कनाल एंड कचरा नंबर इन प्लेस की किधर किस तरीके की कल्टीवेशन जारी है, और सब्सिक्वेंटली उसे हम क्लियर करते जा रहे हैं। और दूसरा उसके बाद जो ये नेटवर्क है इसमें जो कुछ ब्लैक शीप हैं वो आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द सेम, दे आर कॉट वेल इन एडवांस एंड यू नो टॉट अ लेसन, दैट इज़ अ स्ट्रेटजी। बहुत खूब। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी में थोड़ा सा बदलाव आया,
घर में सोशल जो इश्यूज क्रिएट होने लग गए, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, तो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कुछ किया एडमिनिस्ट्रेशन ने शोपियन में? जी बिल्कुल, दिस वाज एन इशू जो पूरा नहीं वर्ल्ड फेस कर रहा है, पूरा कंट्री फेस कर रहा है, एंड वी हैड ट्राइड आवर बेटर एज वेल. हमने पहले, हमारा बेसिकली मेन रोल था स्टूडेंट्स का, हमारा मेन जो कंसर्न था वो स्टूडेंट्स का था जी, वो उनकी पढ़ाई वगैरह सफ़र नहीं हो और वो किसी अनप्रोडक्टिव तरीके जैसे मतलब ड्रग कंजम्पशन वगैरह में नहीं लग जाए. तो हमने योग जीवन जीने का नियम और संयम है, लेकिन योग हमें बांधता नहीं है बल्कि हमें मुक्त करता है, ताकि हम विश्व की सभी प्राणियों को प्रेम और शांति के भाव से देख सकें. तो आइए पूरे विश्व में शांति और प्रेम के संदेश को फैलाने के लिए इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से क्यों ना हम योग अभ्यास की शुरुआत करें. और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा. स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आत्मा. डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया. हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश. इस घर की बेटिया नहीं हो रहा, वो किसी अनप्रोडक्टिव तरीके जैसे मतलब ड्रग कंजम्पशन वगैरह में नहीं लग जाए. तो हमने अपने जो ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चल भी रही हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स ही कर रहे हैं, उसमें हमने अलग अलग तरीके की फीचर्स रखे. कुछ वर्चुअल कॉम्पिटिशन्स हमने रखे पेंटिंग के और बाकी तरह के टैलेंट्स के, जैसे बच्चे इन्वॉल्व रहे किसी ना किसी तरीके से. दूसरा, हमारे इधर ये जो हमारा दूसरे कॉल रूम कॉल सेंटर है उस पर कोई भी अगर साहिल अगर कॉल करके कुछ मेंटल हेल्थ टिप्स वगैरह या एनी यू नो एड्रेसल काउंसलिंग और रिड्रेसल ऑफ हिज मेंटल हेल्थ कंसर्न चाहता है, तो वी हैव अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हु इज एड्रेसिंग द सेम. ही गेट्स अ कॉल बैक फ्रॉम हिम. And in fact, for appointment leke, we have initiated counseling for the same as well. हमारी कोशिश भी रही कि लोग ये जैसे आपने कहा domestic violence बढ़ गई, तो हमारा जो one stop center for women है वो हमारा activated रहा इस दौरान. But thankfully कोई ऐसा case आया भी नहीं. But still, those women who were already in distress, for instance, abandoned mothers or those in such vulnerable groups, उनकी तरफ हमारी attention पूरी रही. उनके जो pending pensions वगैरह वो जारी करते रहे हम. Further financial support and assistance was also provided to them. जी, आपने education की बात की, जो online classes चल रही हैं, जो government की तरफ से चलाई जा रही हैं. इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी क्लास में, higher classes में, उनकी education के हवाले से किसी तरह का कोई स्टेप लिया गया, और वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे, क्या उनके हवाले से कुछ हुआ? जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल्स वर कंडक्टिंग देयर ओन ऑनलाइन क्लासेस जी, और जो डिग्री कॉलेज स्टूडेंट्स की मैं बात कहूँ तो इनके भी रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं. इनफैक्ट काफी अच्छे से चल रही हैं. वी ऑलमोस्ट हैव 90% प्लस अटेंडेंस इन आवर डिग्री कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस. वन अदर प्रोजेक्ट दैट वाज पर्टिकुलरली यू नो caught in the fray, we had launched this free civil services coaching program for students of Shopian, in fact not just of Shopian, of anywhere in the valley, called Hadaf. It was the name that we had decided, and it was a very grand success. Almost 600 plus students came to write the entrance exam for the same. Humne ye 100 seats rakhi thi, and it was partially sponsored by the district administration as well as the higher education department. अनफॉर्चुनेटली जब हमारी क्लासेस शुरू हुई तो दो हफ्ते बहुत अच्छे से चली, बट फिर कोविड लॉकडाउन ना इनिशिएट हो गया, तो ये क्लासेस भी हमें ऑनलाइन शिफ्ट करनी पड़ी. और वो भी क्लासेस हमारी काफ़ी एक्टिवली चल रही हैं ऑनलाइन.
all the 100 students are connected with us, and we are determined to support them in attempting UPSC exam or state civil services exams in this coming year. MashaAllah. हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे इसी तरह से अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छे इंसान बन जाएं। लॉकडाउन काफ़ी लंबा रहा और उसके बाद अभी अनलॉक वन शुरू हो चुका है, और जो ये जो अनलॉक वन है इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट शोपियन बहुत लेट है, इसकी क्या वजह है और क्या स्ट्रेटजी आगे रहेगी? जी लेट नहीं है, वी आर बेसिकली यू नो वेरी केयरफुली मेजरिंग आवर स्टेप्स एंड टेकिंग देम। ये पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन होता है मार्केट ओपनिंग का, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, एंड उसमें भी एक रोस्टर हमने ईजाद किया है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शॉप्स का फॉर डिफरेंट डेज एंड डिफरेंट टाइमिंग्स, टेकन डिसाइडेड विल यू नो इन कंसल्टेशन विद आवर लोकल मार्केट कमेटी पीपल एज वेल। देहात में मार्केट्स जो थे वो थोड़े बहुत फंक्शनल तरीके से ऑपरेट कर रहे थे और उसमें भी हमने काफ़ी उनको छूट दे दी गई। शोपियन मार्केट इज अ 2000 ऑड शॉप स्ट्रॉन्ग मार्केट, इनफैक्ट वो पुलवामा मार्केट से बड़ा है, बहुत बड़ा, और काफ़ी हिस्टोरिकल मार्केट है और काफ़ी कंजेस्टेड भी है। सो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर हम जैसे मार्केट खोलें और उधर कंजेशन शुरू हो जाए, क्योंकि इधर तकरीबन 70% शॉप्स जो ओनर्स हैं वो टाउन में रहते हैं, 30% बाहर से आते हैं, तो काफ़ी मैसिव इंटरमिक्सिंग हो जाएगी या ऐसा कुछ इशू होगा, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए ये रोस्टर काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है, सो दैट वी कैन कीप डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड डिफरेंट प्लेसेस यू नो एक्सक्लूसिवली एंड नॉट अलाउ एनी यू नो इंटरमिक्सिंग ऑफ द सेम। सो वी आर कॉन्फिडेंट कि हमें इसमें भी सपोर्ट मिलती रहेगी मार्केट कमेटी से, लोकल्स हैव टू प्ले अ पार्ट, एंड फॉर द सेम वी आर गोइंग फॉर टुडे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो परसों सैटरडे को और मंडे को होल्ड किया जाएगा, जिसके तहत हम अलग अलग कैटेगरीज ऑफ शॉपकीपर्स, बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल ग्रुप्स, चाहे वो किसी भी किस्म के हों, जैसे फॉर इंस्टेंस बुचर्स हैं, बेकर्स हैं, केमिस्ट्स हैं, और किस्म के डीलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सुमो ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनके ग्रुप्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं थ्रू आर रिसोर्स पर्सन इंक्लूड विच कंसिस्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड सम अदर ऑफिसर्स, जो इनको थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे कि कैसे वो अपनी रेगुलर बिजनेस प्रैक्टिस मेंटेन कर सकते हैं वाइल यू नो स्टिल यू नो ऑब्जर्विंग द प्रिकॉशंस दैट वी हैव टू टेक फॉर कोविड, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, यू नो वेयरिंग ऑफ मास्क एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड आई थिंक दिस इज क्रूशियल क्योंकि एज आई सेड कि वी हैव टू लिव विद कोविड, इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे, यू नो एंड वी डोंट नो एग्जैक्टली टिल व्हेन वी कैन हैव क्योर फॉर इट, सो नॉर्मल लाइफ जैसे जैसे साथ चलती रहेगी तो उसके साथ प्रिकॉशंस मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी लोगों के हाथ में ही है, पब्लिक के हाथ में ही है, अगर वो इस एहतियात को ठीक से बरतेंगे तो तभी वो अपने आप को बचा पाएंगे, दैट्स इम्पोर्टेंट। मार्केट खुलेगा लेकिन मार्केट खुलने के साथ साथ लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके हवाले से क्या कुछ चल रहा है? जी हमने उसका अभी जो कॉल जो एग्जैक्टली किस डेट को हम रिज्यूम कर रहे हैं वो नहीं लिया है, बट इट विल फॉलो इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, पॉसिबली वन वीक और टू वीक आफ्टर वी स्टार्ट द मार्केट, एंड इसमें भी वी आर एक्टिवली कंसल्टिंग ऑल आर ट्रांसपोर्ट यूनियंस, सुमो यूनियंस व्हाटसोएवर, सो दिस आई आल्सो एम कॉन्फिडेंट विल फॉल इनटू प्लेस सून। पूरी वादी में हमने देखा रेट्स अब की बार इस कोविड के दौरान एतदाल में नहीं रही, रेट्स का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, चाहे मटन की बात हम करें, चिकन की बात करें या बाकी सब्जियों की बात करें, हर चीज़ की रेट्स में काफ़ी फ़र्क रहा, तो डिस्ट्रिक्ट शोपियन में आपने इन चीज़ों का कैसे मेंटेन किया, इनको कैसे संभाल के रखा, और जो क्वालिटी पर ध्यान देना है या क्वालिटी की जो बात करते हैं उसको कैसे आपने देखा? जी देखिए ये तो ऑब्वियसली पैन वैली इशू था, दैट वाज बिकॉज ऑफ यू नो डिक्रीज सप्लाई, हमारा मटन ज़्यादा इम्पोर्टेड रहता है तो ऑब्वियसली दैट वाज हिट, एंड जो पोल्ट्री है हमारी मोस्टली वो लाइक असम अदर डिस्ट्रिक्ट वो परिगाम पुलवामा से आती है, सो दैट वाज आल्सो कंट्रोल्ड, जैसे रेट एस्केलेशन हुई तो वी आल्सो इशूड आर रेट कंट्रोल ऑर्डर्स, एंड यू नो रेवेन्यू टीम्स एंड लीगल मेट्रोलॉजी टीम्स वर ऑन द स्पॉट टू चेक एनी सच यू नो एक्सीडिंग रेट्स। स्पेसिफिकली लोकल लेवल पे मटन अवेलेबिलिटी फैसिलिटेट करने के लिए हमने
जो हमारे लोकल शीप हर्डर्स थे, बकरवाल्स एंड ऑल, उनको प्रेस किया कि वो सप्लाई में थोड़ी एडिशन करें, और वी सॉ रिजल्ट्स ऑफ दैट एज वेल. थोड़ा सा जो प्रोडक्शन पे डिपेंड, जो सप्लाई डिपेंडेंस थी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे, वो फिर लोकल लेवल पे शिफ्ट हो गई, एंड दैट ऑल्सो हेल्प अस कंट्रोल द रेट्स. एज ऑफ नाउ इट इज़ वेल इन, इट इज़ वेल मैनेज्ड. बहुत खूब. इस वक्त सब लोग आपको, पूरी आवाम आपको देख रही है, और ख़ासकर शोपियन के लोग आपको देख रहे हैं. कोई ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया, या कोई ऐसी बात जो आप अपने आवाम से, खासकर शोपियन की आवाम से कहना चाहते हैं, कैमरा आपके सामने है तो आप बात कर सकते हैं. शोपियन के आवाम के लिए मेरा यही पैगाम रहेगा जो मैं पहले भी काफ़ी बार दोहरा चुका हूँ. आपने अभी इस 3 महीने बहुत सब्र दिखाया, बहुत ताउन किया हमारा इस जंग में. आगे भी इस, जैसे एज वी आर गोइंग फॉर अनलॉकडाउन, इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट और यू नो कन्वर्ट करने में भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी हमें. स्पेशली अगर मैं बात कहूँ तो जो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है सैम्पलिंग के लिए, जो ये सारे र्यूमर और मिसकंसेप्शन फैल चुके हैं कुछ एरियाज में लोगों के जहनों में, उसमें प्लीज़ आप ध्यान मत दें, बढ़ चढ़ के सैम्पलिंग में सामने आएँ. जितनी जल्दी हम पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट कर सकेंगे, उतना जल्दी हम कोविड को वाइप आउट कर सकेंगे. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर किस्म से एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर बनाए रखें, सैम्पलिंग में भी और आइसोलेशन में भी. जैसे जैसे हम अलग अलग इश्यूज और चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, हम वैसे उनको अडाप्ट कर रहे हैं, बट इवेंचुअली वी हैव टू लिव विद दिस पैंडेमिक, एंड दैट कैन हैपन ओनली एंड ओनली इफ यू नो अवाम इस इसको इससे लड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, और जो जितने एहतियात और प्रिकॉशंस हैं उसको हमेशा नज़र में, जहन में रखें. मेरी ये दिली दुआ है कि खुदा कश्मीर, वादी कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर रियासत को और शोपियां ज़िले को जल्दी इस पैंडमिक से निजात फरमाए. चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से ये लम्हे हमारे इस प्रोग्राम के लिए चुरा लिए. हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं, और दुआ करते हैं कि आप सेहत सलामत रहें, ऐसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने लोगों को आप ऐसे ही उनकी खिदमत करते रहें. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया बहुत बहुत साहब. तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपने पसंद फरमाया होगा. इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में आपसे होगी फिर मुलाकात. एक और शख्सियत के साथ बात करेंगे, कुछ और बातें होंगी, और कुछ और एडवाइजरीज शेयर करेंगे, कुछ और एजुकेशन आप तक पहुंचाएंगे, कुछ और अवेयरनेस आप तक पहुंचाएंगे. तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज. देख रहे हैं डीडी.